Hello students, so today we are going to study a very wonderful poem. The title of the poem is The Wonderful Words. This poem is all about the role and importance of language and language skills to shape the ideas of the mind. इस poem में हम लोग बच्चों जो चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो है कि language यानी कि भाषा और जो भाषा की जो skills होती हैं वो कितनी important है हमारे mind को shape करने के लिए. ठीक है, ये वंडरफुल वर्ड्स, जैसे वर्ड्स आपको पता ही होता है शब्द, तो वंडरफुल शब्दों को वंडरफुल क्यों कहा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे. इसकी पोएट है मैरी ओनील, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा. अबाउट द पोएम, पोएट मैरी डेवनपोर्ट ओनील, इनका जन्म मई 1898 में हुआ था, इनकी डेथ 1957 में हुई थी. शी वॉज एन आयरिश पोएट और ड्रामेटिस्ट थी, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थी और एक फ्रेंड एंड कोलीग थी डब्ल्यू बी यीट्स, जॉर्ज रसल एंड ऑस्टिन क्लार्क की. तो ये उनके समय की थी पोएट और इनके बारे में जो इनकी रेपुटेशन थी एज अ साइकिक एंड शी सर्व्ड एज अ कंसल्टेंट टू यीट्स व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन हिज बुक अ विजन, यानी कि अपने समय की एक बहुत ही मशहूर कवित्री थी. और अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट. For English is a wonderful game, and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. All students will recite the poem after me. You can also sing the poem. Never let a thought shrivel and die. For want of a way to say it, for English is a wonderful game, and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. इस पोयम को आप गा भी सकते हैं, बहुत ही प्यारी पोयम है. तो इसका मीनिंग हम समझते हैं. पहला वाला जो लाइन है, नेवर लेट अ थॉट, थॉट माने क्या, विचार. नेवर, कभी भी हम अपने विचार को, श्रिवल एंड डाई, श्रिवल माने क्या होता है, सिकुड़ना. देखो बच्चों यहाँ पे मीनिंग आपको येलो में इंग्लिश टू इंग्लिश दिया है या हिंदी में भी दिया है. तो श्रिवल माने श्रिंक करना, सिकुड़ जाना. कभी भी अपने थॉट्स को हम सिकुड़ने ना दें, एंड डाई और मरने ना दें. हमारे थॉट कब सिकुड़ जाएंगे, कब हमारे थॉट खत्म हो जाएंगे, For want of a way to say it, यानी कि जब हम उसको चाह नहीं पाएंगे किस तरीके से कहें. जैसे हमें किसी से कहना है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि भूख को इंग्लिश में क्या कहते हैं या इसको कैसे बोलना है, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम चुप रह जाएंगे और क्या होगा, ये थॉट हमारे दिमाग में ही मर जाएगा, है ना. तो फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे, केवल एक चाहने का तरीका. सो पोएट इज सेइंग दैट नेवर लेट एनी आइडिया और थॉट डाई, इन अदर वर्ड्स नेवर लेट इट गो विदाउट गिविंग इट एक्सप्रेशन, यानी हर वर्ड्स, हर थॉट को एक एक्सप्रेशन चाहिए. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम, इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है, गेम है इंग्लिश को. अगर आप देखें गेम कैसे गेम है, ऑल यू हैव, ऑल यू कैन प्ले इट, आप सब लोग इसको खेल सकते हैं. कैसे खेल सकते हैं, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, आपको केवल वर्ड्स को मैच करना है. ठीक है, टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, ब्राइटेस्ट थॉट्स यानी कि आपके दिमाग में जो सबसे ब्राइट थॉट्स हैं उनको मैच करना है. यानी जैसे मैचिंग आप करते हैं ना, कि इधर पे आपका थॉट है, इधर पे वर्ड है, तो आपको उन दोनों को मैच करना है सिर्फ. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो जो थॉट्स हैं वो क्लियर ट्रू आ जाए. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और उसको बहुत हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, उनको नर्चर करना है ना, उनको अच्छे से पालना पोसना थॉट्स को, ताकि वो अच्छे से पॉलिश होके बाहर निकले, ब्यूटिफुल मैनर से पॉलिश होके अच्छे से बाहर निकले. जैसे मुझे किसी को वेलकम करना है ना, तो मेरे पास अगर अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं तो मैं बहुत अच्छे से वेलकम करूंगी, यू आर वेलकम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू. तो मेरे जो थॉट्स हैं मैंने उनको अच्छे से एक्सप्रेस किए और सामने वाले को पता लग गया कि मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, है ना. लेकिन अगर मेरे पास शब्द ही नहीं है तो कोई आया तो मैं चुप रहूंगी, तो वो सोचेगा पता नहीं कि मैं खुश भी हूँ कि नहीं. भले ही मैं खुश हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे वर्ड्स नहीं मेरे मुँह से निकल रहे, मेरे थॉट्स किसके रूप में निकलेंगे बाहर, वर्ड्स के रूप में. तो इसलिए हमको अपने वर्ड्स को अपने थॉट से मैच करना है, बस यही तो गेम है. और उसको क्लियरली सामने प्रकट करना है दूसरे के, ग्रूम और फ्रेड, उसको अच्छे से
देखो हैंडसम का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। लड़कों के लिए हैंडसम आता है, गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल आता है, मालूम है ना आपको। तो इन अ ब्यूटीफुल तरीके से हम उसको पेश कर रहे हैं, ग्रूम माने पॉलिश तरीके से। तो यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश वो भी दिया हुआ है बच्चों, इसको जरूर आप पढ़ा करिए। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और हाउ टू यूज द राइट वर्ड, ठीक है। इंग्लिश इज अ वेरी रिच लैंग्वेज फुल ऑफ ट्रेजर। इंग्लिश एक बहुत रिच लैंग्वेज, बहुत अच्छी भाषा है, जिसमें एक से एक शब्द है और खजाने से भरी हुई है। द पोएट सेज दैट ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, आप लोग इस गेम को खेल सकते हैं, विच मीन्स एवरीबडी एवरीवन कैन यूज इट इफेक्टिवली। यू कैन फाइंड द परफेक्ट वर्ड्स फॉर द थॉट्स और आइडियाज इन योर हेड एंड गिव इट अ क्लियर एक्सप्रेशन सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड नाइसली। डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट, ये मत सोचो कि हम नहीं बोल सकते इंग्लिश या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप, बस आपको वर्ड्स मैच के लिए चाहिए। There are yet not many good things, the most beautiful ones, which has not been said. अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे पोएट बता रहा है कि अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही नहीं गई हैं। तो क्यों? क्योंकि लोगों के पास शब्द नहीं है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको हम सिखाते हैं बोलना, तो उनको हम शब्द सिखाते हैं, प्यास लग रही है ना, पानी पीना है, तो वो बोलते हैं मम मम मम, तो हम समझ जाते हैं कि इनको पानी पीना है, तो कि मम मम से हमको समझ में आ जाता है कि उनको पानी पीना है ना। तो इसी तरह से जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, जब इंग्लिश को हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस हमको अपने थॉट्स को वर्ड्स से मैच करना है और उनको अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। चलिए इसको और अच्छे से हम समझते हैं फोटो से। ये देखो श्रीवल, ये देखो ये एप्पल है, ये श्रीवल हो गया है, सिकुड़ गया है। तो ऐसे ही हमारे थॉट्स जो होते हैं हमारे दिमाग में सिकुड़ जाते हैं अगर हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। इसके आगे देखो ये ग्रूम, ये ग्रूम के लिए बनाया है। ग्रूम माने क्या होता है, पॉलिश करना, किसी को अच्छे से प्रिपेयर करना, मुंह धोना, ब्रश करना, कटिंग करना, शैम्पू करना, ये ग्रूमिंग हो रही है, यानी ओवरऑल सज धज के तैयार होना। तो हमने अपने थॉट्स को किस चीज से सजाना है, शब्दों से सजाना है। और फेड, फेड माने क्या होता है, खाना खिलाना। देखो इसमें चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं, फेड। तो जो वर्ड्स हैं वो हमारे थॉट्स को फेड करते हैं, ठीक है, वो हमारे वर्ड्स को ग्रूम करते हैं। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया सबको फर्स्ट टेंस अच्छे से। फिर इसका द पोएट सेज दैट वन मस्ट नॉट लेट हिज थॉट्स डाई इफ ही डज नॉट नो द वे टू एक्सप्रेस देम। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज एंड पीपल कैन लर्न इट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देयर आर मेनी थॉट्स इन अवर हेड्स एंड दे शुड बी कन्वेड प्रॉपरली। द थॉट्स शुड कम आउट क्लियरली एंड ट्रूली। वर्ड्स शुड बी वीव्ड प्रॉपरली टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। वीव्ड माने बुनना, शब्दों को हमें बुनना चाहिए अच्छे से ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस आए। यही ग्रूमिंग का मतलब है यहाँ पर, है ना, कि उसको अच्छे से ग्रूम करो, पॉलिश करो। देर आर मेनी लवली थिंग्स विच रिमेन अनटोल्ड एंड शुड बी कन्वेड, क्योंकि बहुत सी अनटोल्ड चीजें हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो अभी तक बताई नहीं गई हैं और जिसको कन्वे करना है, यानी इसको आगे हमें पहुंचाना है। ओके बच्चों, सेकेंड स्टैंजा। Words are the food and dress of thoughts. Word क्या है? शब्द क्या है? Food and dress, यानी भोजन और कपड़े हैं किसके? विचार के। They give it its body and swing. और वो ही शब्द ही उसको एक बॉडी देते हैं, यानी शेप देते हैं, और स्विंग, स्विंग माने उसको आगे बढ़ाते हैं। And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. और एवरीवन, हर कोई लॉन्गिंग माने चाह रहा है सुनना कुछ फ्रेश और ब्यूटीफुल चीज। रोज घिसी पिटी बातें सुन सुन के हम बोर हो जाते हैं, हम नई बात सुनना चाहते हैं, तो हर कोई नई बात सुनना चाहता है, कुछ फ्रेश कुछ ब्यूटीफुल चीजें सुनना चाहता है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, लेकिन केवल शब्द ही हैं जो थॉट को फ्री कर सकते हैं। फॉर इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, क्योंकि कहाँ से वर्ड्स को फ्री करना है? From its prison behind your eyes. देखो बच्चों, यहाँ फोटो मैंने लगाई है, ये आपकी आईज है। आईज के पीछे क्या है? आपका ब्रेन। और ब्रेन के अंदर मैंने एक ताला लगाया हुआ है, केज है, प्रिजन है ना, पिंजरा है। तो पिंजरे के अंदर, यानी ब्रेन के ऊपर पिंजरा लगा हुआ है, यानी कि आपके ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स बंद है, पिंजरे में बंद है। कहाँ बंद है थॉट्स? पिंजरे में। पिंजरा कहाँ है? ब्रेन में। बात समझ में आ गई? और आपकी आंखों के पीछे है ये पिंजरा, कहाँ है? आपकी आंखों के पीछे। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. और इस समय जब आप ये पोयम पढ़ रहे हैं, तो भी हो सकता है आपके माइंड में, आपके दिमाग में इस समय भी
एक मार्वलेस, मार्वलेस माने वंडरफुल, कुछ नया सरप्राइज, कुछ नई चीज छुपी हो सकती है। तो आपके आईज के पीछे जो ब्रेन है वहां लॉक है, पिंजरे में बंद है। क्या बंद है? बहुत सारे विचार बंद है, और उन विचारों को मुक्त कौन करा सकता है? वर्ड्स। कौन करा सकता है मुक्त? वर्ड्स। जब हमारे पास शब्द होंगे तो हम वो ब्रेन से अपने उन शब्दों को बाहर निकालेंगे और प्रकट करेंगे। तो वर्ड्स गिव अ स्ट्रक्चर टू एनी थॉट और आइडिया इन अवर माइंड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स स्ट्रक्चर देते हैं हमारे आइडिया को या थॉट को। द पोएट इज सेइंग दैट नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनी न्यू थॉट्स। कभी ये मत सोचो कि हमारे पास कोई नया विचार नहीं है। दे आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड एंड सर्च। उन्हें अभी भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है। दे येट नीड टू कम थ्रू। थॉट्स एंड आइडियाज आर केज्ड इन अवर माइंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि थॉट्स एंड आइडियाज कहाँ पर केज है, कहाँ पर बंद है? हमारे माइंड में, ब्रेन में। इफ एनीथिंग कैन सेट देम फ्री। उनको कौन चीज फ्री कर सकती है पिंजरे से? वर्ड्स। वर्ड्स अलोन कैन गिव क्लियर एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन टू थॉट एंड आइडियाज। वर्ड्स अलोन कैन अर्न देम प्रेज। सो इट इज अ मस्ट टू लर्न एंड परफेक्ट अवर लैंग्वेज। ओके, इसको भी आप गा सकते हैं बच्चों। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. सब बच्चे इस पोएम को गा गा के याद करेंगे। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम और अच्छे से इसको स्टैंजा को समझते हैं। देखिए थॉट, ये देखिए ये थॉट है। ये थॉट हमारे दिमाग में बंद है, पिंजरे में। कहाँ बंद है? हमारे आंखों के पीछे जो दिमाग है उसके अंदर ये थॉट बंद है। अब इस थॉट को फ्री कौन करेगा? वर्ड्स। कौन करेंगे फ्री थॉट को? वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। ठीक है, तो वर्ड्स क्या है? वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। और वर्ड्स ही क्या देते हैं? उसको बॉडी एंड स्विंग देते हैं। स्विंग माने आगे बढ़ाना, जैसे झूले में आगे पीछे जाते हैं। तो वर्ड्स ही हमारे थॉट्स को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक शेप देते हैं, और उसको स्विंग देते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम बहुत अच्छे से। सो पोएट सेज दैट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टूल टू कन्वे थॉट एंड मैसेजेस। Words are food to nurture our thoughts. Everyone wants to hear good and beautiful thoughts, and only words can free those thoughts from our one's mind. The poet compares our mind with a prison which holds our thoughts. There might be a wonderful thought in one's mind, and it can be conveyed with the help of words. चलिए, इसके छोटे-छोटे question answers हैं, इसको हम कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत important poem है. What do people want to hear? लोग क्या सुनना चाहते हैं? People want to hear fresh and beautiful thoughts. They have a desire to hear such things. ठीक है, लोग fresh और beautiful things सोचना। What did the poet want to convey through this poem? Poet क्या convey, क्या बताना चाहता है? The poet wants to convey the importance of expressing our thoughts with the help of appropriate words. वो बताना चाहता है कि expressing our thoughts, कि हमारे विचारों को प्रकट करना सही शब्दों से। What does the poet want to say through prison behind your eyes? यानी prison behind your eyes का क्या मतलब है? The poet want to refer to our mind. वो मैं दिमाग की बात कर रहा है। She said that only words have the power to liberate. Liberate माने आजाद करना thoughts from our mind. Give synonym of the word prison. Prison के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? Synonym माने समानार्थी शब्द jail. Write antonym of the word new. New के लिए synonym antonym विलोम शब्द कौन सा है? Old. People always want to hear beautiful thing, to be sad, to transform, to fight with others. To hear beautiful things. Answer भी इसमें संग संग दिए हैं। What kind of language is English according to the poet? Poet के according English कैसी भाषा है? English is a wonderful language. What is the poet not asking us to do? Poet is asking us not to let our thoughts die. हमारे विचारों को मरने नहीं देना चाहिए। She is asking us to say whatever we have in our mind. What does the poet mean by English is a wonderful game and all of you can play it? का क्या मतलब है कि इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है, हम लोग सब खेल सकते हैं। द पोएट हियर मींस दैट इंग्लिश इज अ वंडरफुल लैंग्वेज एंड एवरीवन कैन यूज दिस लैंग्वेज। एक बहुत अच्छी भाषा है, इसको हर कोई यूज कर सकता है। एंटोनिम क्या है वंडरफुल का?
wonderful का एंटोनिम होता है हॉरिबल। सिनोनिम ऑफ श्रिवल श्रोकरने का क्या होता है श्रिंक, है ना, सिनोनिम का समानार्थी शब्द श्रिंक। मीनिंग क्या है प्रेजेंट बिहाइंड योर आईज, इसका मतलब क्या है माइंड, प्रेजेंट कहाँ है हमारी आंखों के पीछे, मैंने आपको फोटो में भी दिखाया था माइंड। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी, आप इस पोएम को सिंग करके याद करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग द चैनल, बाय।